हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं इंस्पेक्टर ऋषि पे। ये न्यू सीरीज शुरू होने वाली है अमेजोन प्राइम पे। ये साउथ इंडियन सीरीज है, ऑल्दो ये डब या सब तो रहेगी हिंदी में, तो उसकी टेंशन नहीं है। ये एक क्राइम सीरीज होने वाली है जिसमें जो इंस्पेक्टर है वो अपने एसोसिएट्स के साथ मिलके, यानी जो सब इंस्पेक्टर्स रहेंगे उनके साथ मिलके वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस या पैरानॉर्मल क्राइम्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले जाते हैं इसके ट्रेलर पे, जस्ट लेट्स एंजॉय द ट्रेलर। को आएगा ये। ओके விலங்குகளோட பிணங்களுக்கு பூச்சிங்க கூடு கட்டுறது அவ்வளவு அபூர்வமான விஷயம் கிடையாது. பட் ஒரு மனுஷனோட டெட் பாடியில நாங்க பார்த்தது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ரட்சியோட ஆட்டோ நிக்க போறது இல்ல, ஊரே சுடுகாடா போகுது. காட்டுக்குள்ள ரட்சியும் கிடையாது, மோகினியும் கிடையாது. சிபிசிஐடி போலீஸ் அந்த குலகேச விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. சீரியல் மர்டரர்க்கும் சஸ்பெக்ட் பண்றீங்களா? தென்காடு கேஸ் விசாரிக்க புதிய இன்ஸ்பெக்டர் அமைச்சிருக்காங்க சார். ஐனா சித்ரா சார். There is a certain way that I conduct an investigation. என்னோட மெத்தட் வழக்கத்துக்கு மாறா இருக்கலாம், அத பத்தியான கவலை இல்ல. ஒரே ஒரு ஐசோலேட்டட் இன்சிடென்ட் இல்ல ரிஷி, கிராமத்துல நிறைய பேர் ப்ராமிசிங் சீரிஸ்ல இருக்கறீங்க சொல்லிட்டு திரிறாங்க. இங்க நடக்கிறதுலாம் ஏதோ ஒரு மாதிரி அமானுஷமா இருக்கு. आजकल साउथ इंडियन मूवी सीरीज सब छाई हुई है। आई फील देयर कुड आल्सो बी समथिंग मोर टू दिस। ओ, भाई वो क्या था, ये तो भयंकर हो रहा लग रहा। ये हिंदी में रहेगा दोस्तों और 29 मार्च को आ रहा है इसी का। ये हिंदी में डब रहेगा, 29 मार्च को आ जाएगा। और जो टीजर या ट्रेलर बोलते हैं देखने में बहुत सही लग रहा है। ये हॉरर रहेगा तो हॉरर भी काफी अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, तो ये हॉरर लग रहा है। एक्चुअली में काफी दिनों बाद ऐसा कुछ हॉरर सा देखने को समझ आ रहा है, तो मुझे तो अच्छा लगा। ये आपको वैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। और पसंद आया है तो कमेंट करने में बिल्कुल परहेजी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। दैट बीइंग सेड दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय एंड।